How to enable your monetization in 2019? How to enable monetization in 2019? Yes, guys, आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने congratulation कहते रहते हैं आए दिन. तो guys, आज हम बात करने वाले कि मेरा monetization कैसे on हुआ. मैं अपने experience में बताऊंगा कि आपका monetization कैसे on हो सकता है, और कुछ myth जो market में चल रही हैं उन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं. बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको यहां मैं शेयर करने वाला हूं जो लॉजिक्स हैं, जो बेस लॉजिक हैं, जो ट्रू लॉजिक्स हैं वही, और वो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, मेरा मोनेटाइजेशन बहुत समय पहले ऑन हो चुका था, लेकिन आई थिंक लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, और लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन डेली कोई ना कोई मुझे मैसेज करता है कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका मोनेटाइजेशन ओपन हो चुका है. लेकिन गाइस, मैं बता दूं, मोनेटाइजेशन ओपन होने के बाद मैं बहुत ही कम पैसे कमा रहा हूं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूं, बिकॉज यू नो कि हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है. लेकिन आई होप बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आने वाले हैं अपने चैनल पे बहुत ही जल्दी, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब, बेस्ट बिजनेस की बिजनेस कैसे बना सकते हो आप यूट्यूब से, कैसे बिजनेस कर सकते हो आप ऑनलाइन में, कैसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, ये सब मैं शेयर कर रहा हूँ. और अगर आप जानना चाहते हो कि बिना यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड किए कैसे अर्न कर सकते हो, तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ की थी शेयर, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि आप बिना वीडियोज अपलोड किए भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हो और यूट्यूब से. दोस्तों, कैसे हुआ मेरा मोनेटाइजेशन ऑन सिर्फ 22 आवर्स में. गाइस, किया मैंने क्या था कि मैंने पहले से ही जो मोनेटाइजेशन का सेक्शन होता है जहाँ चार ऑप्शंस होते हैं उसको मैंने ओके करके रखा था. सो गाइस, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और 40,000 जो घंटे हैं वो पूरे हुए, और तो वो ऑटोमेटिक अपने आप चले गया मोनेटाइजेशन के लिए, और उसके बाद सिर्फ 22 घंटे के बाद मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया. तो गाइज, ये मैंने कुछ लोगों को बताया तो बहुत ज़्यादा अमेज थे कैसे हुआ, और कैसे लोगों का तो बहुत टाइम लग रहा है आपको इतना जल्दी कैसे हुआ. तो गाइज, बात ये थी कि मेरा जो चैनल था मैंने स्टार्ट किया पिछले साल, ठीक है, और उसके बाद मेरा कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया था, मेरा चैनल 3 महीने के लिए बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन 2 स्ट्राइक आ चुका था, तो मैंने खुद ही बंद कर दिया था कि तीसरा स्ट्राइक ना आए. तो मतलब बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो लॉजिक है वो बताना चाहता हूँ. और उससे पहले गाइस, जब मैंने बहुत पहले ये जो अपना ईमेल है ये यूट्यूब चैनल बनाया था, लेकिन मैं इस पर वर्क नहीं करता था, तो उस समय क्या होता था, ये सब जो लॉज हैं वो लॉज और रूल्स नहीं थे, तो उस समय मोनेटाइजेशन पहले से ही ऑन हो जाता था. तो मैंने एक घूमने फिरने में गया था तो वो वीडियो उठा के डाल दिया था, तो उस समय मोनेटाइजेशन मेरा ऑन था, ठीक है. तो फिर उसके बाद में इसको मोनेटाइजेशन को हटा दिया गया था. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ये चैनल को मतलब कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर से रिव्यू में भेजा, तो 22 घंटे के अंदर अंदर मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया. तो शायद हो सकता है ये लक हो, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है YouTube में, यू नो. सो और गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत लोगों का मिथ ये है कि YouTube में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम अपना मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर पा रहे हैं. तो गाइस, मैं बता दूँ, अब जो मोनेटाइजेशन है वो 3 दिन में ऑन हो जा रहा है, 3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लग रहा है. और अगर आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग रहा है, तो आप सोच लो कि जो आपका मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है वो सेकेंड टर्म में जा चुका है, मतलब सेकेंड टाइम आपको चेक किया जाएगा, आपको रिव्यू किया जाएगा, और फिर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा. इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, इजी आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ. और गाइस, जो मिथ है लोगों का ये है कि वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए यूट्यूब की वीडियोज़ को. जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसी वीडियो बनाई कि यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना है. तो गाइस, जो न्यू यूट्यूबर हैं बहुत ज़्यादा वो डर गए हैं. तो गाइस, मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है. उनका कहना ये था कि आप बॉट और सब्सक्राइबर को खरीदना नहीं है गलत तरीके से. बस आप हर जगह शेयर कर सकते हो, बिंदास शेयर करो, किसी को भी शेयर करो, बार बार शेयर करो. और इस बात का ध्यान रखो कि आप बार बार अपने वीडियो को मत देखो, ठीक है. दूसरों को आप कितने बार भी चाहो उतने बार शेयर करो, और जो आपके चारों प्रोसेस हैं उसको पहले से ही ओके करके रख दो, क्योंकि जैसे ही आपका जो घंटा है और सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो आपका ऑटोमेटिक वीडियो में चैनल चल जाता है. इसलिए होता है कि आपका चांस रहता है कि जल्द से जल्द हो जाए, और आजकल 2 से 3 दिन लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है. और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा गाइस, कोई भी चीज ऐसे करने की कोशिश मत करो कि आपको जल्दी के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़े. इट्स मीन कि कोई भी
जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपके रूल्स हैं यूट्यूब के, उनको आप फानने की कोशिश ना करो, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कभी भी नहीं किया गाइज। और अगर आप यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा ही कमाना चाहते हो तो उसके बहुत सारे वेज हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन गलत चीज़ का अगर उपयोग करोगे और सोचोगे जब मैं इसको अनेबल करने की कोशिश करूँगा तो मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगा कि यूट्यूब ना देख पाए, तो यूट्यूब भी आपसे बहुत ज़्यादा आगे है, वो भी सारी चीज़ें समझता है, और उस समय हो सकता है कि आपका जो मोनेटाइजेशन है वो कभी भी ऑन ना हो। लेकिन अभी तक मैंने जिनसे भी बात किया उन सबका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, जिनका रिव्यू में भी गया था और जिनका रिव्यू में बहुत समय से था। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है गाइज, बस यही है कि यूट्यूब बार बार अपने रूल्स बदलते रहता है, तो आपको अपना सेफली गेम खेलना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और हमेशा अपना ऑटोमेशन पे रखो, जैसी आपकी चीज़ें कंप्लीट होती हैं वो खुद ब खुद जाएगा, और 100% मैं बता रहा हूँ एक दिन में आपका मोनेटाइजेशन ओपन होगा। और प्लीज़ कंटिन्यू वीडियोस डालते रहो, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी इलीगल काम ना करो, जितना शेयर करना है उतना शेयर करो, यू कैन डू इट, आई नो, आई बिलीव ऑन यू ऑल गाइज। और कैसे करना है और भी अर्निंग बहुत सारा यूट्यूब से जानना चाहते हो तो इस चैनल पर बने रहो, और इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोज़ दे दी है, उस वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय, जय हिंद।